अपने अभिनय कला का लोहा मनवाने वाले अभिनेता परेश रावल राजनीति के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का लोहा मानते हैं। अपनी मेहनत और अभिनय की राजनीति के क्षेत्र में अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी के सांसद परेश रावल को सच्चाई बोलने में कोई भी हिचक नहीं होती। जो सांसद रावल के दिल में बातें होती है वो जुबान पर आ ही जाती है। अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए परेश रावल ने कहा कि 2014 में उनकी जीत मोदी लहर में वैसे ही हुई जैसे राम के नाम से समंदर में पत्थर तैर गए थे। राजनीति में रावल नए जरूर हैं, लेकिन अनुभव में नए नहीं हैं। तो जो अनुभव हुआ वो सामने बोल दिया। कार्यक्रम के दौरान फिल्म पुरस्कारों और पीएम मोदी को लेकर बयान देने के बाद कार्यक्रम से निकलते वक्त परेश असहिष्णुता के मुद्दे पर भी बोलने से नहीं चुके। परेश रावल ने कहा कि आजकल जो लोग बॉडीगार्ड और ऑडी कार लेकर घूमते हैं उन लोगों को असहिष्णुता कैसे। परेश का निशाना बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और शाहरुख खान पर था। पिछले दिनों दोनों ने कहा था कि देश में माहौल ठीक नहीं है, जिसके बाद जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था। परेश रावल ने इसके अलावा एक और बयान दिया। रावल ने कहा कि फिल्म के अवार्ड लॉबिंग से मिलते हैं। आपको ये भी बता दें कि परेश रावल जल्द ही एक फिल्म में मोदी का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। खैर, फिल्म और राजनीति का रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन परेश रावल ने सच बोलकर जनता के सामने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत जरूर बता दी है। NMF News की रिपोर्ट।